बहुत अपने आप को जो मैं यहाँ समझ के गया था ना, फन्ने खां तुर्रम खां, सब हाथ निकल गई निकल बाबा गई भाई। क्योंकि ये सब क्या करा मैं तो बोल रहा हूँ, ये मैं डर मिटाने गया था, कोई और नए डर लेके आया हूँ। जबरदस्ती करवाया इन्होंने, करंट लगने वाला स्टंट यार, कभी यहाँ बांध दिया कभी वहां बांध दिया कुछ। आई डोंट थिंक देयर वाज टाइम टू डू एनी पॉलिटिक्स। कौन आसिम? आसिम हमारे सीजन में था क्या? हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कलर्स टीवी पे बहुत जल्द आने वाला है खतरों के खिलाड़ी। सो इस वक्त खतरों से खेल कर आए हमारे गेस्ट या वेलकमिंग करण ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। थैंक यू सो मच, सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन। थैंक्स करण। सो करण, कैसा था खतरों के साथ खेलना? बहुत मजेदार और बहुत डरावना और बहुत नर्वसनेस हुई और बहुत अपने आप को जो मैं यहाँ समझ के गया था ना, फन्ने खां तुर्रम खां, सब हाथ निकल गई निकल बाबा गई भाई। क्योंकि ये सब क्या करा रहे हो, बट मजा आया और अपने आप को सरप्राइज किया मैंने थोड़ा, और डरा धमका के अपने आप को बेला फुसला के कुछ कुछ करता गया बट बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आप फुटबॉल खेलते थे तो वो मैं। थोड़ा हेल्प किया आपको वहां पे प्रैक्टिस। फुटबॉल ही नहीं, सिर्फ मैं बचपन से आई थिंक आई हैव बीन टू स्पोर्ट्स, मैं क्रिकेटर रहा हूँ स्टार्टिंग से, तो और एथलेटिक्स में था, काफी सारे और स्पोर्ट्स खेले हैं, और हाँ फुटबॉल कंटिन्यू करी मैंने काफी, बॉम्बे में तो काफी खेला है, तो उससे तो काफी एजिलिटी और काफी थी। हाँ और क्या क्या बोल रहे मेरे, अच्छी बातें और बताओ। अच्छी बात है, सब तो ये कह रहे हैं कि आप ही विनर हो है ये क्या अच्छी बात हुई, ये तो पता ही है सबको। स्टंट्स की बात किया जाए तो ऐसा कौन सा स्टंट था जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ बट आपने इवेंचुअली कर भी लिया वो? अरे जबरदस्ती करवाया इन्होंने, करंट लगने वाला स्टंट यार, कभी यहाँ बांध दिया कभी वहां बांध दिया कुछ, देखे करंट पे करंट दे रहे हैं, आंखें बंद करा दी, चिल्ला चिल्ला के बताओ इतना बड़ा आदमी मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है, अच्छा लगेगा स्क्रीन पे? मेरे पैर में एक प्लेट है जिसकी वजह से वो करंट भी एम्पलीफाई हो जाता है, तो ओ बहुत चिल्लाया बहुत रोया मैं, बहुत प्लीज प्लीज करी, बट कोई नहीं माना, निर्दयी लोगों ने करंट बंद नहीं किया। कितना और एक नहीं, रोया कम से कम तो चार स्टंट्स थे करंट वाले, आपको ही आपके इसमें मेरे आया मेरे हिस्से में आए, बताओ मेरी झोली में आए वो। पर अभी आप यूज्ड हो गए होंगे कि अभी अभी आपको करंट लगाएंगे हाँ तो मतलब अभी आप बोलोगे उंगली डाल के चार्जर कर दो है ना, बटन ऑन कर दो, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो बोल रहा हूँ ये मैं डर मिटाने गया था, कोई और नए डर लेके आया हूँ, ये पहली बार होगा कि आप यू ओवरकमिंग या फिर नहीं, आई एम गेटिंग न्यू वंस नाउ। वाओ, सो पुराने वाले कौन से ओवरकम होके आया है? पुराने वाले मेरे को कुत्तों से डर था काफी ज्यादा, तो वो हाँ, तो कुत्ते का भी एक स्टंट हुआ जो भी मेरी झोली में आया, लेकिन वो लकीली थोड़ा बहुत अच्छे से निकल गया, और वो कुत्ते को अपने आप को काटता देख के और कुछ नहीं होता हुआ देख के थोड़ा सा बेटर फील हुआ। फिर वो ट्रेनर ने दोस्ती भी कराई मेरी कुत्ते से और बोला कि इसकी आंखों में मत देखना, मैं कहा हेलो हेलो इधर उधर देख के उसको, और आई वॉज रेक्नोफोबिक, स्पाइडर्स और कॉकरोचेज और रेप्टाइल्स का डर था, तो वो निकला तो नहीं, लकीली मेरे हिस्से में नहीं आया, तो देख देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद कर अगर सकता आता था, तो ओवरकम हो जाता ना। मतलब मैं आउट ऑफ वॉलंटरीली जाके मैंने टच वच कर ली, जैसे सांप जब उधर देख रहा था तो पीछे से उसकी पूंछ खींच ली कि हाँ ठीक है, और सोचा कि डर निकल गया मेरा। बट करण, इंजरीज कितनी है? इंजरीज देखो, ये लेके गए थे बोल के कि मरने नहीं देंगे, और इन्होंने ये नहीं बताया था कि इतना पास लेके जाएंगे मरने के, तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो अभी भी चल रही हैं और हो जाएंगी ठीक, होपफुली कुछ क्रॉनिक नहीं है, लेकिन हाँ कट वट ये वो थोड़ी बहुत दर्द अंदर से है, अब क्या बयां करूं मैं बताओ। बेटा, रोहित सर से कभी डांट मिली है? नहीं, उसके लिए हमने एक मुर्गा रखा हुआ था, वो मुर्गा कौन काम था कर वो गया, मुर्गा? उस मुर्गे का नाम था शालीन भनोट, वो अच्छा उनकी ट्यूनिंग बैठी हुई थी, जब सर का डांटने का मूड करता था तो शालीन था, जब सर का मस्ती का मूड करता था तो शालीन था, जब सर का कुछ करने का मूड था तो हम शालीन को आगे कर देते थे, अल्लाह, तो शालीन हमारे हिस्से की डांट भी ले गया मस्ती भी ले गया, सब मजे कर गया वो। आप बच गए। हाँ बाकी सब लोग स्टंट में कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, शालीन को हमने आगे थोड़ा सा मुर्गा बना दिया, जो मुर्गा अंडे भी देता है। तो ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था जो आपको ऐसा लगा कि आपके लिए बहुत टफ कॉम्पिटिटर था? मैं सबको ही बोला है, आपको भी बताऊंगा कि सारे किसी ना किसी चीज में तुर्रम थे, जैसे जो करंट में मैं पसीने पसीने होके हाँ मम्मी ये सब करके, और अभिषेक भी रो के निकले हैं उसमें, शुमोना को कुछ पता भी नहीं चला, और हाँ उसने ऐसे दो झटके लिए और करके आ गई, तो हर कोई किसी ना किसी चीज में बहुत अच्छा था और किसी चीज में थोड़ा वीक था, सो इट वॉज जस्ट द कॉम्बिनेशन, कब सही बैठे और कब तुम इससे आगे निकल जाओ वाली बात थी।
बट तो कोई भी जीत सकता है, मतलब ऐसा वाला है। अच्छा बट ये तो था जब टेक की बात, जब टेक नहीं होता था तो किस तरह से पूरा एटमॉस्फेयर था, कितना हंसी मजाक मस्ती होता था लोगों के साथ। बहुत ज्यादा मजे थे और बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव बंच है, एवरीबॉडी वाज अ वेरी, क्योंकि ये शो आल्सो इज ओवरकमिंग योर ओन फियर्स, तुम्हें तुम्हारी खुद से लड़ाई है तो तुम्हारा कंपेटिटर भी तुम्हें सपोर्ट कर रहा होता था व्हाइल यू आर डूइंग द स्टंट, तो उसके बाद तो दोस्त बनना लाजमी है ना, तो हम काफी अच्छे बॉन्ड करा, टाइम मिला जब घूमने का तो घूमने भी गए, वर्कआउट साथ करा, स्विमिंग करी, बहुत मजे किए मतलब साथ में हम सब। पर कंटेस्टेंट की बात किया जाए तो ऐसे काफी कंटेस्टेंट थे जो बिग बॉस के घर से आए हुए, तो वहां पर बिग बॉस हुआ था क्या अलग साइन का? वहां पर कुछ और करने का टाइम नहीं था, इसी चीज का डर था कि ये कैसे होगा और क्या होगा। आई डोंट थिंक देयर वाज टाइम टू डू एनी पॉलिटिक्स और गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी, मतलब स्टेटमेंट्स या कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला किसी को। और मैं तो काफी फोकस था और हूँ अब लाइफ में, तो मैं या तो जिम में होता था या स्विमिंग कर रहा होता था या मस्ती कर रहा हूँ तो पूरी मस्ती कर रहा होता था और फिर स्टंट तो कर ही रहा था। बट आसिम की फाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे फाइट भी हुआ था आसिम का। कौन आसिम? आसिम हमारे सीजन में था क्या? यस आप चेंज कर रहे हो टॉपिक अभिषेक के साथ। मेरे को यार अभिषेक पता है, मेरे को आसिम नहीं पता। कौन है आसिम? द फेयर गाय जो बिग बॉस पे था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। सिद्धार्थ तो इज नॉट देयर नाउ, उनके सीजन में था। आप टॉपिक चेंज कर रहे हो। बट आई डोंट रिमेंबर दिस गाय एट ऑल, आई डोंट रिकॉल एट ऑल, मेरे को बिल्कुल ही याद नहीं है। याद कराओ कुछ, कैसा दिखता है, क्या है यार? आप अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ऐसा लग रहा है। मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि could be my age, my short term memory loss, but मेरे को पहले तो कोई फाइट हुआ था कंटेस्टेंट्स के बीच? लड़ाइयां तो सब करते रहते थे एक दूसरे से कुछ ही बात पे छोटे मोटे को लेकर, बट ये वाला मेरे को ये बंदे का नाम ही नहीं याद है, ना शक्ल याद है, ना कुछ रिकॉल वैल्यू है इस चीज की। ओह इनविजिबल कंटेस्टेंट। करण आपने खतरों के साथ खेल लिया है, एक रियलिटी शो कर लिया है, और भी रियलिटी शोज है, तो आप कौन से रियलिटी शोज आप नेक्स्ट करना चाहते हैं? वो पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा, अभी तो मैं बहुत ईगरली 27th का वेट कर रहा हूँ कि कब स्टार्ट होगा ये शो, उसके बाद देखते हैं कि क्या आएगा लाइफ में। बट कपल ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन, आई होप इट्स एज बिग और बिगर देन द शो। ओके, फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अलग ही अवतार नजर आने वाला है करण का, बिकॉज उन्हें कभी देखा नहीं होगा आपको खतरों के साथ खेलते हुए। ज्यादातर मैं किरदारों के पीछे छुपा हुआ नजर आया हूँ, अब एकदम सामने चौड़ में खतरों से खेलता, रियल करण। सो आई होप कि मैं कंटेस्टेंट और एक्टर और इन दोनों से ज्यादा अच्छा इंसान निकल गया हूँ, तो आई होप दैट दे लाइक मी एज अ कैरेक्टर आल्सो, जो मेरा खुद का है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय बाय।